केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को सभी धार्मिक स्थलों पर चलाए गए स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में स्वच्छता बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। इसके आगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि देश के सभी धार्मिक स्थल वो सभी स्थान जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सभी का सौंदर्यीकरण किया जाए, साफ सफाई रखी जाए और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसे व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों को दी है। मैं हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए आता हूं और कई बार मैंने यहां स्वच्छता अभियान भी चलाया है। सभी ने आश्वासन दिया है कि वो भी सहयोग करेंगे और सरकार या कोई संस्था इसके सौंदर्यीकरण तथा स्वच्छता पर खर्च कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहाँ स्वच्छता बड़े पैमाने पर बढ़ेगी। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आवाहन किया था कि देश के जितने धर्म स्थल हैं, जितने लोकेशंस पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, कोई भी धर्म के हो, उन सभी का सौंदर्यीकरण करना, स्वच्छता मेंटेन करना और श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, इसको व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित करने का दायित्व सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर कैनॉट प्लेस में आता हूँ दर्शन करने और कई बार यहाँ पे स्वच्छता की मुहिम भी चलाई, कुछ महीनों तक स्वच्छ रहा भी किसी ना किसी के CSR के माध्यम से, फिर थोड़ा फिसल जाता था। तो इस बार हमने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, पूरे साइट को विजिट किया है और मुझे आनंद है कि यहाँ के सभी पुजारी, मंदिर के संस्थापक, यहाँ के सभी दुकानदार सभी ने आश्वस्त किया कि वो भी साथ देंगे और सरकार कोई ना कोई संस्था जो इसमें खर्चा कर सके इसके सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर, और आम आदमी कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति जो श्रद्धा से इस मंदिर में रोज आते हैं, उन सब की सुविधा बनाने के लिए आज चर्चा हुई है।